चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है क्या किसी को भी? नहीं भैया। बाकी लोग नहीं है तो चलो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग वेस्ट फॉर BACPR थ्योरी का क्या किए थे, तो पोस्टुलेट्स वगैरह देख लिए थे, ठीक है, जिस पे वो बेस्ड है हमारा BACPR थ्योरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका यूज करके शेप कैसे हम लोग डिसाइड करें, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो तुम्हारा तो प्रिडिक्टिंग शेप या फिर ज्योमेट्री शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल या आयन यूजिंग BACPR थ्योरी। BACPR थ्योरी का यूज करके हम लोग किसी केमिकल स्पीसीज का शेप कैसे प्रिडिक्ट करें, ठीक है, ये हम लोग आज करने वाले। तो देखो इसमें है क्या, अगर बुक अगर तुम जाके देखे हुए हो तो, वैसे पिछले क्लास में हम जो जिसका रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे हल्का सा आइडिया दिए हुए थे, ठीक है, तो आज उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, देखो होगा टेबल वगैरह बुक में बना होगा, जानते हो शेप किस पे डिपेंड कर रहा है, पोस्टुलेट्स वगैरह पर हो तो सेंट्रल एटम के अराउंड कितना बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के अबाउट क्या इलेक्ट्रॉन क्लॉड का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग से हम डिसाइड करते हैं। तो अलग अलग इसमें केस है, मतलब सेंट्रल एटम के अबाउट कितना बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है या तीन बॉन्ड पेयर है या चार बॉन्ड पेयर है, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा एटम वगैरह है वो अरेंज होगा स्पेस में और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हारा शेप डिसाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं केस सिंप्लीफाइड वर्जन, उसके बाद जाएंगे लोन पेयर वाले केस पे। सबसे पहला हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वैसा केमिकल स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, उसका शेप कैसे डिसाइड करें। तो केस वन, केस वन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर को हम शॉर्टकट में लिखा करेंगे, ध्यान रखना एलपी बीपी वैसे पहले से भी यूज करते हैं, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं तो इसमें भी अलग अलग मतलब तुम्हारा केस है। सबसे पहला केस है कि सेंट्रल एटम के अबाउट दो लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर तो होगा ही नहीं, मतलब लोग जो अज्यूम कर रहे हो उसमें तुम क्या मान रहे हो, लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, कोई लोन पेयर नहीं है ऐसा केमिकल स्पीसीज कंसिडर हम लोग करने वाले हैं। केवल और केवल उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर होगा वैसा केमिकल स्पीसीज। सबसे पहला जिसमें तुम्हारा है उसको हम मान लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, सेकंड को चलो यही बोल देते हैं। इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है उस पर बॉन्ड पेयर कितना है, टू, बॉन्ड पेयर टू, और लोन पेयर कितना होगा, अभी जो अजम्पशन लिए उसके अकॉर्डिंग जीरो, जीरो ऑब्वियसली, ये तो होने ही वाला, तो हम लिखने वाले भी नहीं है या तुम लोग को खुद ही पता होना चाहिए, जस्ट एक बार लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूल या केमिकल स्पीसीज है वह शेप कैसा लेगा ये हमें डिसाइड करना, ठीक है। तो पिछले क्लास में बोलते एक तरीका है कि मतलब सीधा सीधा तुम टेबल में देखो मग लो, उससे भी काम चल जाता है केमिस्ट्री का, बट थोड़ा सा हम उसका ये भी बता दें कैसे शेप डिसाइड किया जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ऐसा लेते हैं मान लो तुम्हारा कोई सेंट्रल एटम ए है, सॉरी कोई सेंट्रल एटम तुम्हारे पास ए है, ए है, ठीक है, ए है, इस पे बॉन्ड पेयर कितना है, दो, मान लो इसे दो एटम बी जुड़ा हुआ, एक बॉन्ड इधर, ठीक है, एक बॉन्ड इधर बी और एक बॉन्ड इधर, सेंट्रल एटम तुम्हारा ए है। अब ये कुछ भी हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है, जिनरल दो बॉन्ड पेयर है, उस पर लोन पेयर कुछ भी नहीं, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है इसलिए हम कुछ डॉट नहीं दिखा रहे, लोन पेयर भी तुम लोग कंसिडर भी मत करो। अब इस मॉलिक्यूल का हमें शेप डिसाइड करना, जो अपना टारगेट क्या है,
प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल या आयन, तो इसका शेप डिसाइड करना। तो देखो होता क्या, हम लोग पढ़े थे वेस्पर थ्योरी का, बीसीपीआर थ्योरी का पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को या केमिकल स्पीसीज अपने बॉन्ड को ऐसे अरेंज करता है ताकि उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन मिनिमम। ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, बॉन्ड है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों निगेटिवली चार्ज है। तो पोस्टुलेट में पढ़े थे कि रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल चाहता है कि रिपल्सन कम से कम हो। तो एक ऐसा स्टेट अचीव करना चाहता है 3D में जहां पे उन बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर या जो भी है उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। तब तुम ये खुद सोचो, या दो बॉन्ड, या दो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन ही एक तरह से कैसे अरेंज हो 3D में ताकि इनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। यह क्वेश्चन अपने आप में मैथमेटिकल है अगर सच में बोले तो, या फिजिक्स भी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व है। तो खुद सोचो, या एक दो एक तरह से दोनों चार्ज है, अभी हम नहीं जाएंगे डिटेल में, पिछले क्लास में थोड़ा बोल दिए हुए थे, चार्ज है, इन दो चार्ज के बीच में रिपल्सन मिनिमम कर रहा है, तो कितने एंगल पे ओरिएंट होगा ताकि मिनिमम हो। तो थोड़ा सा वेक्टोरियली भी सोचो तो तुम्हें यह आंसर भी मिलेगा, इन दोनों को लिनियर टाइप से अरेंज होना पड़ेगा। ए ये बी और ये, चूंकि अगर इन दोनों के बीच एंगल 180 नहीं हुआ तो रिपल्सन मिनिमम नहीं होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। यह मॉलिक्यूल चाहेगा अपने इन दो बॉन्ड पेयर को हम 180 डिग्री पे यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग लिनियरली अरेंज कर लें ताकि इलेक्ट्रॉन क्लोड आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और रिपल्सन इनके बीच मिनिमम हो, जो कि मॉलिक्यूल चाहता है हमेशा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया 180 पे ही क्यों रिपल्सन मिनिमम हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे भाई 180 के अलावा और कोई एंगल लेके तो सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पे। ये जस्ट सोचने के लिए बोल रहे हैं, पहले ही बोल दे, केमिस्ट्री में सीधा रटता भी है सब, सीधा याद करो दो बॉन्ड पेयर है लिनियर से खत्म, कहानी कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है, बट थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा बोल। अब आता है कौन, चलो 180 के अलावा कोई और एंगल लेते, ये करेक्ट है, ध्यान रखना यहाँ पे जो शेप होगा इसको बोलते हैं लिनियर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल का शेप लिनियर हम लोग बोलते हैं। जब दो बॉन्ड पेयर और एक कोई लोन पेयर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, लिनियर। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर तुम्हें दिख रहा है सेंट्रल टाइप में दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है, उस मॉलिक्यूल का शेप बोल दो कि वो लिनियरली अरेंज होगा, खत्म। तो शेप में तो हम लोग लिनियर लिखने वाले हैं, बट जस्ट थोड़ा सा हम ये जस्टिफाई कर दें कि लिनियर नहीं होता तो रिपल्सन ज्यादा कैसे होता, थोड़ा सा हम इसको बोलना चाहेंगे इस पे, बट तुम्हारे लिए इतना सफिशियंट है कि शेप लिनियर होगा। अब आता है क्वेश्चन कि भैया 180 पे क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जैसे ए है, ठीक है, एक पे हम ये थोड़ा बताएंगे, बाकी वाला हम डायरेक्ट लिखेंगे, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है, तो सब पे हम ये बताने वाले नहीं है ऐसे कैसे हो रहा है, बस एक पे बताते हैं जो समझने के। मान लो कोई बोलेगा भैया ऐसा शेप क्यों नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कोई और हो, 180 ना हो, 180 से कम हो, हम बोलेंगे भाई वैसे केस में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो छोटा हो जाएगा, और दो चार्ज के बीच जो ही डिस्टेंस कम होगा रिपल्सन ज्यादा होगा। कूलम्स लॉ से ये बात बोल सकते हैं, अगर तुम लोग जानते हो तो, कि Q1 Q2 by R square फोर्स होता है, ठीक है, तो उससे भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशन जैसा ही है, तो यह डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। यह डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब पूरा पूरा यह स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई और एंगल लोगे तो यार डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा जो मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा। इसलिए मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिनियर शेप लेना चाहेगा यदि उसके पास दो बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है, खत्म, इसको घेरो, यही है काम का तुम्हारे लिए, 180 पे ही आना पड़ेगा, जो इसी स्टेट में रिपल्सन मिनिमम होगा उसका। दूसरे वर्ड में हमको बोलोगे बोलने के लिए तो बोल देते हैं जस्ट, ठीक है, हालांकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी समझ में आया तो स्किप करना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए ये बी, हम ये बोल रहे हैं सोचो को, तो इसका रीजनिंग में भी जा सकते हो इसके पीछे क्यों रिपल्सन में हो रहा है। देखो यार, मैं इसको जोड़ दिए, एक ट्रायंगल बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिए, अब इन दो बी बी के बीच डिस्टेंस क्या है, यही तो है डिस्टेंस, यह डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ बीएसीपीआर थ्योरी। चार ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेगा, हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का इन दोनों साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, जस्ट इतना ही हम बोल देते हैं। उससे भी सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा यह जो भी ये साइड है वो बाकी दो के सम से छोटा ही होगा, बट तुम अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, उसको बराबर कर सकते हो जब तीनों पॉइंट को लिनियर कर दोगे तो, छोड़ो बाकी नहीं मतलब है इसको बोलने का केमिस्ट्री क्लास,
इस केस में बीबी के बीच डिस्टेंस जो वो मैक्सिमम होगा, और इससे मैक्सिमम कभी नहीं हो पाएगा अगर तुम इसको थोड़ा सा भी 180 से कम कर दिए तो। ट्रायंगल बन जाएगा, चूंकि अभी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ए बी बी एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, तो मतलब यह डिस्टेंस अभी मैक्सिमम है। ट्रायंगल बना के भी सोच सकते हो अगर थोड़ा सा ट्रायंगल से सोचना चाहते हो तो, बट सोचने का जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो लिखो लीनियर से, दो बॉन्ड पर एक लोन पर। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, जो तुम देख रहे हो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है उसके पीछे रीजनिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रीजनिंग नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया गया बुक में, हालांकि इतना लिखा नहीं होता है कि कैसे लीनियर आया, ठीक है, पर तुम खुद से सोच सकते हो। चलो ठीक है, नोट करो क्विकली। जब दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0, तब जाकर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है लीनियर। यहां लिख लेना शेप इज इक्वल टू लीनियर। इस केस में जब दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 0 लोन पेयर है, तो लिखना शेप इज इक्वल टू लीनियर। शेप को ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना कॉपी में, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम लिखते हैं। वैसे शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इज इक्वल टू लीनियर। कब? जब तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर 2 हो और 0 लोन पेयर हो, ऐसे मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा। जस्ट इसका एक एग्जांपल को दे सकते हो क्या? सोच के कोई ऐसा परे हो जिसमें दो बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, कोई मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी। कोई ऐसा मॉलिक्यूल तुम्हें दिखता है क्या जिसमें दो बॉन्ड पेयर हो, सेंट्रल एटम पेयर और 0 लोन पेयर हो? एग्जांपल की बात कर रहे हो, लेते हैं CO2 में अगर चेक करो इसमें दिखेगा, तो ये एग्जांपल हम नहीं लिखेंगे, खुद से तुम लोगों को लिंक करना है। CO2 में देखो, CO2 का स्ट्रक्चर लास्ट में कुछ एग्जांपल कर लेंगे, पहले हम लोग जस्ट यहाँ पे CO2 जस्ट एग्जांपल यहाँ बोल दे रहे हैं। देखो इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, और बोले थे इसको हम दो काउंट नहीं करते हैं, बीएससी पेयर थ्योरी में एक ही काउंट करते हैं, इसको भी एक ही काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को भी एक ही काउंट करते हैं। तो एक एक दो बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर है नहीं, तो CO2 का जो मॉलिक्यूल होगा ना वो सच में लीनियर होगा। द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, बीएससी पेयर थ्योरी, ठीक है। एग्जांपल हो गया, जस्ट एग्जांपल में CO2 लिख सकते हो जहां पे तुम्हारा दो बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। चलो इसको हटाने वाले हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, ये था पिछला बी, या 1 2 3 जैसे भी करना तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी में माने बॉन्ड पेयर मेरे पास 3 है और लोन पेयर पहले बोल चुके हैं, लोन पेयर नहीं मान रहे अभी, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ऐसे मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? अब हम ज्यादा कहानी नहीं ले जाएंगे मैथमेटिक्स वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, सीधा सीधा लिखने वाले हैं। हमारे पास मान लो सेंट्रल एटम को ए है, इस पे 3 लोग बॉन्ड से जुड़ा हुआ, मान लो इधर से बी, 3 तरफ से बॉन्डिंग ये गया, मान लो बी भी है, इधर से बी भी है, इधर से बी भी है। अभी तक हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि शेप कैसा लेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब शेप पे बात कर, लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर का सोचना है नहीं। तब ये मॉलिक्यूल से हम पूछे, भाई तुम कैसा शेप लेना चाहोगे, तुम्हारे ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर 3 बॉन्ड है और 0 लोन पेयर, तुम कैसा शेप लेना चाहोगे? तो इस मॉलिक्यूल का आंसर आएगा एज पर बीएससी पेयर थ्योरी, कि हम बॉन्ड को ऐसे ओरिएंट करेंगे ताकि मेरे बॉन्ड्स के बीच ओवरऑल रिपल्शन मिनिमम। इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए यह जो स्टेट लेगा वह लेता है ऐसा कुछ डायगोनल प्लेनर, मतलब ए तुम्हारा ट्रायंगल के सेंटर पे होगा और बाकी 3 जो है ना वो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे होगा, बी बी बी, ऐसा ओरिएंटेशन लेता है। और चूंकि सेंटर पे यह पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, तो 3 पार्ट में बांटोगे तो एंगल बॉन्ड एंगल जो आएगा 120 डिग्री आएगा इस केस में। लिख लो, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इस शेप को बोलते हैं शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में यूज होता है वर्ड, बट शेप ज्यादा हम लोग बोलते हैं, अपने लिखने वाले हम उसको बार बार। शेप इज इक्वल टू होगा, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि तुम देख रहे हो कि अगर इसको तुम ज्वाइन कर दो जस्ट डॉट डॉट से,
सारे बी को तुम्हें ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल के प्लेन में ही सारा का सारा आइटम बैठा हुआ है, ए और ये बाकी तीन भी, इसलिए ट्राइगोनल। और चूंकि ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल एक 2D शेप है, तो प्लेनर तो होना ही होना था उसको, तो इसलिए नाम दिया गया ट्रायगोनल प्लेनर। जस्ट इस शेप को देखने में कैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये ड्रॉ कर लेना ये वाला। और बॉन्ड एंगल अगर बोलोगे, बोलेंगे हम 180 डिग्री, बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इसके अलावा कोई और अगर ओरिएंटेशन लोगे ना, तो वहां पे तुम्हारा रिपल्सन मिनिमम नहीं हो। ये सारा इसके पीछे मतलब कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो तुमको नहीं जाना उसी डिटेल्स में। पहले बोल देते हैं, यह बना लो और यह दिखा दो, खत्म, ठीक है। अब तुम इसमें बोलोगे भैया ऐसा भी तो कर सकते हैं, ए को रख देते हैं ओरिजिन पे और तीनों बी को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रख देते हैं, तो मन में आ सकता है, जो सोचने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है ना भैया, ए को ओरिजिन पे रख देते हैं और बी को तीनों एक्सिस म्यूचुअली पर्टिकुलर एक्सिस पे रख देते, तीन एक्सिस मेरे पास होता है एक्स वाई जेड, हम बोलेंगे रख दो, लेकिन उसके रिपल्सन का ये आएगा ना, वो तुम्हारा घर होगा, सारा बॉन्ड्स 90 हो जाएगा, सारा बॉन्ड 90 हो जाएगा, तो 90 पे रिपल्सन निकालोगे तो ज्यादा आएगा, ये 120 पे है, प्लस तुमको तीनों वेक्टर्स का जो देख लो आएगा, उसका वेक्टर एडिशन के बारे में भी सोचना होगा, मतलब थोड़ा सा फिजिक्स भी सोचना पड़ेगा तुमको, इसका आंसर चाहिए कि नहीं ट्रायंगुलर प्लेनर ही क्यों ले रहा, कोई और शेप क्यों नहीं ले रहा। तो तुम अभी के लेवल पे सिंपल इतना बोल सकते हो, यह एक ऐसा स्टेट है जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, बात खत्म, इसीलिए हम इसको शेप बोल रहे हैं। क्यों इसी पे मिनिमम हो रहा, उसका आंसर के डिटेल्स में तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है, उसके पीछे फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको हटाओ, लिख लिए सब लोग जी भैया। हमारा सी केस, जब बॉन्ड पेयर मेरे पास चार हो, दो कर लिए, तीन कर लिए, चार हो, बट लोन पेयर ना हो, हमारे पास मान लो यह ए है, और इधर रफ स्केच ए है, और इसपे चार बी है, एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन ले सकते हो अगर हम बोलना चाहे तो, अभी हम एग्जाम्पल जस्ट मुंह से बोल दिया करेंगे, पर लास्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद लिंक करना कौन किस पे जा रहा है, ऐसा कुछ कर, ठीक है। हम इस मॉलिक्यूल से पूछे कि भाई तुम्हारे पास चार बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर तो है नहीं, तुम कैसा शेप लेना चाहोगे, तो इस मॉलिक्यूल का अगेन आंसर सेम आएगा, वही एक लाइन बीएसपीआर थ्योरी का, हम बॉन्ड्स को ऐसे ओरिएंट करेंगे ताकि मेरे बॉन्ड्स के बीच ओवरऑल रिपल्सन या नेट रिपल्सन जो आए वो मिनिमम आए और मेरा एनर्जी भी मिनिमम हो जाए और हमें स्टेबल ज्यादा हो जाए। ये बॉन्ड को कैसे ओरिएंट करेगा, तो इसका आंसर आता है ये टेट्राहेड्रन के अलोंग अपने चारों बी को भेजना चाहेगा, टेट्राहेड्रन के अलोंग, शेप बोलते हैं टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन होता क्या है, पहले बनाते हैं और फिर तुम लोग को विजुअलाइज करवाएंगे। या ए बोलेगा भाई हमको रिपल्सन मिनिमम करना, ठीक है, तो हम अपने चारों बी को टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, ए बी, और देखो यार ध्यान दो, वैसे पहले इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये एक्यूरेट नहीं है हालांकि, बट हम बोल देंगे एक्यूरेट क्या है, बी ये ऐसे भेजना चाहेगा, और इस शेप को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल, पहले लिखते हैं फिर बताते हैं तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं। और इन बॉन्ड्स एंगल का जो होता है इनके बीच, ये 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री, ये 109 ही क्यों आया, तुमको टेट्राहेड्रल का मैथमेटिक्स लाना पड़ेगा, तुमको जरूरत नहीं है केमिस्ट्री, पहले बोल दो डायरेक्ट याद रखो, उतना से भी काम चलता है। चलो देखो यहाँ शेप बोलते हैं हम लोग, शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब चार होता है, अगर जानते होगे तो केमिस्ट्री में टेट्रा मतलब चार, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल से, ठीक है। और टेट्राहेड्रल से को विजुअलाइज कैसे करवाए तुम लोगों को, ठीक है, विजुअलाइज करवाने का बात है, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, जो हम गूगल पे जाते हैं, देखो ये वाला तुम लोगों को सही से दिख पा रहा है क्या,
देखो ये अगर तुम दिख, हालांकि जैसे होना चाहिए था वैसे है नहीं, तिरछा बनाया हुआ है। देखो है क्या सच में ये, तुम क्या करो ना इसको ऐसे समझो, तुम क्या करो अपने कॉपी पे जो जिस कॉपी पे लिख रहे हो ना उस कॉपी पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जस्ट सिंपल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। और चौथा पॉइंट मानो तुम्हारे कॉपी में नहीं है, कॉपी के ऊपर कहीं हवा में है, मेरी बात को सुनना चाहिए, ट्रायंगल को अपने कॉपी में बना लो और एक चौथा पॉइंट मान लो हवा में कहीं पे है। अब तुम क्या करो उस ट्रायंगल जो तुम अपने कॉपी में बनाए हो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को वो जो चौथा पॉइंट हवा में उसे जोड़ो साइड से, पहले वर्टेक्स को भी ट्रायंगल को, दूसरे वर्टेक्स को भी, तीसरे वर्टेक्स को भी। पता नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग की नहीं, यह जो शेप तुम्हें मिला था वही होगा टेट्राहेड्रन, वही होगा टेट्राहेड्रन जिसको हम लोग 2D में बनाते हैं तो अच्छे से हम लोग विजुअलाइज नहीं हो पाता, पर सच में वो 3D का शेप है, तो इसको हम पेज पे कैसे ड्रॉ करें। तुम्हें ट्रायंगल एक पेज में बनाना है, चौथा पॉइंट तुम्हारे पेज में नहीं आ पाएगा, उस प्लेन के बाहर होगा चौथा पॉइंट वर्टेक्स, मान लो या तीनों भी, ये भी और ये भी, एक ट्रायंगल के अलॉन्ग होगा तुम्हारे पेज में, तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा ठीक है, और चौथा पॉइंट हवा में होगा। अब तुम क्या करो इस तीनों वर्टेक्स को इससे कंबाइन करोगे तो टेट्राहेड्रन जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। वापस से जाना घर पे, जो बोले हम ये पेज में ट्रायंगल बनाना, सोचना नहीं होगा, फिर से वापस हम इसे विजुअलाइज करेंगे तो धीरे धीरे विजुअलाइज तुम लोग को हो जाएगा, फर्स्ट बार में थोड़ा सा ये होगा ठीक है। तो उस टेट्राहेड्रन के पहले ही बोलते हैं जो हम बोले हैं टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन मतलब मेरा ये हुआ, वापस यहाँ अगर समझाने की कोशिश करें तो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए यहाँ पे ठीक है, और चौथा पॉइंट हम इस मान लो लैपटॉप पे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो लैपटॉप में नहीं लेंगे, लैपटॉप के बाहर मान लो कहीं पे लिए, और इन तीनों वर्टेक्स को इसको भी जोड़ दिए उस चौथे पॉइंट से जो बाहर लिए, इसको भी जोड़ दिए एक साइड से, इसको भी जोड़ दी एक साइड से, यह जो शेप बना ना होगा टेट्राहेड्रन। इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पे ये बैठा हुआ है सेंट्रल एटम, उस 3D डब्बे के सेंटर पे, जो 3D डब्बा मतलब टेट्राहेड्रन हम बोल रहे हैं, उसके सेंटर पे ये है। और उस 3D डब्बा का कितना वर्टेक्स हो गया, तीन तो ये था ही और चौथा हवा में बोला, वर्टेक्स उस चारों वर्टेक्स पे यह बी बैठा हुआ है, यह पहला बी, दूसरा बी, तीसरा भी और चौथा भी, और ये सेंट्रल एटम कहाँ पे, उस टेट्राहेड्रन यानी डब्बे के सेंटर पे, बीचों बीच पूरे सेंटर पे, और सेंटर के चारों कॉर्नर पे, टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर पे बी बैठा हुआ है ठीक है। तो यह शेप तुम्हारा टेट्राहेड्रन हो गया ठीक है, टेट्राहेड्रन हो गया। इसमें एक और शेप, मतलब इसको समझ रहे, वेज डैश करके दिखाया था, इसको यूज नहीं करेंगे, जस्ट ये दिखाने के लिए यह जो भी बॉन्ड है वो पेज में नहीं है, पेज के अंदर है या पेज के बाहर है, अभी उसका बहुत ज्यादा जरूरत तुमको पढ़ने वाला है, इसलिए हम उसे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, बुक में देखना दिया हुआ रहता है, एक्सप्लेन उसको हम लोग बाद में कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे देखना ऐसा कुछ दिखा रहेगा वो लोग, ऐसा ये दिखाएगा ऐसा करके, कुछ बॉन्ड को ऐसे दिखाएगा, ऐसे घस करके तिरछा तिरछा देखना जाकर के बोलूंगा, ऐसे दिखाया ऐसे करके इसको रंग दिया रहेगा, इसको वेज डैश नोटेशन बोलते हैं, वो हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसे करते ये बताने के लिए ये वाला जो है ना पेज के अंदर और बाहर को बताता है कि बॉन्ड जो पेज में नहीं है, भले हम पेज में ड्रॉ किए बट वो पेज में या इंडिकेट करने के, बट अगर तुमको ये शेप 3D में विजुअलाइज हो पा रहा है तो ऑटोमेटिक समझ सकते हो कौन पेज में है कौन पेज के अंदर बाहर है, उसका डिटेल हम लोग बाद में करेंगे, ये नोटेशन का वेज डैश नोटेशन बोलते हैं, छोड़ो उसको अभी इसका जरूरत है, लिखो एक क्विकली लिखो, चार बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर में जो शेप होता है मॉलिक्यूल का या केमिकल स्पीसीज का वो टेट्राहेड्रल होता है। सब लोग चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम जाते हैं, मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पांच बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, तो शायद ये पांचवा ही, दो तीन चार पांच, चौथा केस होगा तो डी होगा, ये ABCD कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर इक्वल टू पांच और लोन पेयर जीरो। देखो ये जो हम अभी 3D वगैरह बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना जी, तभी काम आता है, जनरल क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट याद भी उसे ही काम बन जाता है, कभी कभी वो लोग थोड़ा सा ये करता है तो उस क्वेश्चन में तुमको विजुअलाइज होना चाहिए 3D में शेप कैसा था, वहां पे काम आता है, बट इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा उसके बिना भी हो जाता है, इसलिए हम वो भी करवा दे रहे ताकि मान लो कोई क्वेश्चन वैसा अगर तुमको दिखे तो वहां पे तुम विजुअलाइज कर पाओ। चलो ठीक है, अब आ जाओ पांच, तो अगेन फिर रफ स्केच, अगेन फिर रफ स्केच, ये ए है, इस पे पांच तरफ से एटम्स अगर लगा हुआ, एक बी दो बी, रफली बना रहे हैं जस्ट,
तीन भी, चार भी, और ये पांचवा भी, पांचवा, ठीक है, पांचवा। अब इस मॉलिक्यूल से हम पूछे, भाई तुम्हारे पास पांच बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है नहीं, तुम कैसे अपने शिप को ओरिएंट करना चाहोगे, बनाना चाहोगे? तो ये सेम आंसर आएगा फिर वापस से, कि मैं अपने बॉन्ड्स को ऐसे ओरिएंट करना चाहेंगे जहां पे मेरे बॉन्ड्स के बीच ओवरऑल रिपल्सन जो मिनिमम हो, क्योंकि रिपल्सन हम नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होता है तो हम चाहेंगे मिनिमम हो, होना तो है ही, जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा ही करेगा कुछ भी कर लो, बट ये चाहेगा कि मिनिमम रिपल्सन, तो वह उसके अकॉर्डिंग अपने बॉन्ड को ओरिएंट करना चाहेगा। अब कैसे ओरिएंट करेगा तुम नहीं सोचा होगा, डायरेक्ट आंसर दिया होगा बुक में, क्या दिया होगा देख लो, पांच बॉन्ड है, यह पहले तीन बी को ट्रायंगल के अलोंग भेजेगा, तीन बी को ट्रायंगल के अलोंग भेजेगा, सॉरी जो हम ट्राइगोनल प्लेनर में पढ़े हुए थे, ये तीन बी इसका एडजस्ट हो गया 120 डिग्री पे, और चौथा और पांचवा बी जो होगा ना, एक बी को बोलेगा भाई तुम इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर रहो, और पांचवे बी को बोलेगा तुम इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर रहो, मतलब इस पेज के अंदर और बाहर, एक रहेगा बाहर भी और एक रहेगा अंदर भी, समझ रहे हो? जी नॉट को दिखाने के लिए, पेज के बाहर है या अंदर है उसी के लिए बॉन्ड को नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ बस ये दिखाने जाके बुक में देखना, ये वाला एक और एक ऐसा दिखाएगा, ये बॉन्ड ही है पहले समझ, ये बताने के लिए कि यह जो है वो पेपर में नहीं है, पेपर के परपेंडिकुलर बाहर और अंदर है। अब आता है देखो, यहाँ ध्यान दो, ये जो रंग के बनाया हो ना, ये वाला जो इसको पूरा एकदम ये कर दियो, शेडेड कर दियो, इसको बोलते हैं वेज, जस्ट नाम दिया गया है वेज। वेज मतलब क्या होता है ये बताना, पेज के बाहर या पेज के अंदर, किसी को पता हो तो? पेज के अंदर क्या पता नहीं, हम भी थोड़ा सा ये हो रहा है, मिस हो रहा है, वेज पेज के अंदर होता था बाहर होता था, चलो तुम बोलते हो तो मान लेते पेज के अंदर ही, बट जाके देख लेना एक बार उल्टा बोल, वेज मतलब पेज के अंदर और डैश मतलब पता नहीं हमको लग रहा है तुम उल्टा बोल रहे हो, बट हो सकता है हम ही कंफ्यूजन हो, वेज और डैश, इसको वेज बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं। इनमें से एक बॉन्ड, कोई एक बॉन्ड वेज या डैश में, कोई एक बॉन्ड पेज के अंदर है, ध्यान रखना, मतलब एक ये नॉर्मल का काम कर जो पढ़े थे तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में फिजिक्स में, पेज के परपेंडिकुलर बाहर है और एक बी पेज के परपेंडिकुलर अंदर है, जी बाहर और अंदर, और तीन जो बी है वो तुम्हारा प्लेन में ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग अरेंज है, ठीक है जी। यह शेप ये लेना चाहेगा, अब शेप का नाम कैसे दे, तो देखो यह तीन बी ट्रायंगल बना रहा है और एक बी जो बाहर होगा और एक बी जो अंदर होगा पेज के, उनको भी अगर ज्वाइन कर दोगे तो एक बाहर में भी ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा और एक अंदर में भी ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा, तो समझ रहे हैं तुम लोग को पता नहीं चल पा रहा होगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, मतलब ट्रायंगल के तरफ अंदर भी एक पिरामिड और बाहर भी एक पिरामिड, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, बाय मतलब दो, पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इससे बोलते हैं, लिखते हैं, विजुअलाइज करवाएंगे, टेंशन मत। दो ट्रायंगल को जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही, कौन सा दो ट्रायंगल को, ना 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 ना, दो ट्रायंगल तो हाँ बिल्कुल, ये भी हाँ, ये भी बिल्कुल सही बोल, तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, दो ट्रायंगल को उनके एक फेस, हाँ बिल्कुल सही, नहीं दो ट्रायंगल जोड़ दिया गया ये बोलना सही नहीं, नहीं ये तो तुम कैसे बोल सकते, जानते हो कितना ट्रायंगल होगा, सच में बोले तो छह ट्रायंगल होगा, छह ट्रायंगल होगा, तीन ट्रायंगल, दो मतलब दो टेट, हाँ ये बोलो दो टेट्राहेड्रन को जोड़ दिया गया है, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, शेप वो हम करवाएंगे, टेंशन मतलब वो हम लोग दो तीन लेक्चर में करने वाला, शेप का धीरे धीरे प्रैक्टिस में करना होगा, तब जाकर अच्छे से विजुअलाइज होगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, शेप को बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, लिख लो सब लोग, वेज डैश मतलब हो गया एक बॉन्ड पेज के अंदर है, एक बॉन्ड पेज के बाहर है, हमारे तो हमको ऐसा ध्यान लगा पता नहीं, वेज मतलब शायद पेज के अंदर वो बोल रहा है, ठीक है, वेज मतलब यह बॉन्ड जो पेज के अंदर है, क्या बोल रहे हो भैया, बाहर होता है, हाँ हमको भी यही लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है वो बोल रहा है तो हमको ध्यान नहीं, हम तो कहीं देखे नहीं है, जस्ट अभी हमको जो ध्यान है पर वही, वेज मतलब हमको भी ऐसा लग रहा है, पेज के बाहर होता है, डैश मतलब पेज के अंदर होता है, जाके एक बार कंफर्म कर लेना, कुछ ये सब चीज हम तुम लोगों को भी छोड़ सकते हैं, बाकी हम कल कंफर्म कर देंगे, जस्ट नोटेशन है, ठीक है,
एक बॉन्ड अंदर और एक बॉन्ड बाहर उसके लिए। वेज मतलब हमको जैसा ध्यान लग रहा है बाहर ही होता था, पेज के बाहर वेज और पेज के अंदर डैश, बट एक बार जाके तुमको ये कंफर्म करना है कुछ। चलो ठीक है, ये हो गया पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर का केस, पांच बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर का केस। ठीक है, क्विकली लिखो सब लोग। ठीक है, मतलब तीन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो अभी, अभी वो सीक्वेंस हम लोग जा रहे हैं, अभी ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक जो आने वाला हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा इसके बाद, अभी पढ़ रहे हो बीएसईपीआर थ्योरी, इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे और फिर उस लिमिटेशन को सुधार करने के लिए भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो टेंशन मत लो, आएगा वो जो तुम बोलने चाह रहे हो sp3 sp2 वगैरह वगैरह सब पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, ये लिखो पहले, अरे जितना चीज पहले बोल दे वापस से, जितना चलो राम कहानी बोल रहे हैं ना, सिर्फ पेज पे कर रहे हैं, ठीक है, पेज पे कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को आइडियलाइज कर रहे हैं हम लोग थ्योरी से, ऐसा समझ लो, ठीक है, तो जाके बैठ के नहीं देखा है कि मतलब ऐसे अरेंज होता हो। चलो ठीक है, और ये सब चीजें जो 3D में देख रहे विजुअलाइज करोगे ना, तो तब जाकर ऑर्गेनिक में भी कभी कभी ऐसा होता है, स्टेबिलिटी वगैरह चेक करना होता है कंपाउंड वगैरह का, तो तुमको वहां पे ये दिखना चाहिए, अच्छा ये बॉन्ड यहाँ पे है तो वो इसको दिक्कत कर देगा, तो इधर भीड़ बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, पढ़ाया पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, टेंशन मत लो, ठीक है, तो वहां पे ऐसा कुछ कुछ आता है, इसलिए ये वाला वहां पे भी तुमको काम आने वाला है। तो हालांकि अभी फर्स्ट टाइम तुमको हो सकता है 3D उतना अच्छे से दिख नहीं रहा हो अच्छे से, बट धीरे धीरे जो जो प्रैक्टिस में होगा तुम्हें अच्छे से दिखने लगेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज जाते हैं, बॉन्ड पेयर 6 और जीरो लोन पेयर। अगला केस हमारे पास बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6, 6 बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, ये शायद मैं 2 3 4 5 6 ई होगा, शायद ई होगा, देख लेना मैं तुम जो भी, चलो ये ई होगा, 6 बॉन्ड पेयर। अब देखो 6 कैसे अरेंज करेगा, 5 था तो 3 को एक ट्रायंगल के अलोंग भेज दिया था और 1 को अंदर और 1 को बाहर, 6 में क्या होगा, 4 को ये स्क्वायर के अलोंग भेज देगा और बाकी 2 जो बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, उन 2 को 1 अंदर और 1 बाहर, मतलब ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट रफ इसके सामने ड्रॉ करेंगे, ये ए 6 बॉन्ड ना, क्या बोलेगा 4 बी को भेज देगा स्क्वायर के अलोंग, जो कि तुम्हारा पेज में होगा, जिस पेज में ड्रॉ कर रहे हो कॉपी में, ए बी इस डायगोनल के अलोंग ऐसा कुछ बी, ऐसा कुछ बी, तो 4 बॉन्ड हो गया और 2 बॉन्ड में वही, फिर एक वेज और एक डैश, एक अंदर और एक बाहर, इसको तुम अगर जस्ट डॉट से ज्वाइन करके देखो तो ये स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है क्या, ये स्क्वायर हो गया और एक अंदर बाहर जो तुम पॉइंट ले पिरामिड बना, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, पिछले वाला ट्रायंगल के साथ बन रहा था पिरामिडल अंदर बाहर, और ये वाला कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है और एक ए अंदर और एक ए बाहर, ठीक है, तो एक तुम्हारा वेज जैसा बना दो बॉन्ड, मतलब दिखाने के लिए क्या, ये पेज में नहीं है, बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, इसको रंग दो, इसको रंग दिया जाता है, देखना बुक में जाकर के, इसको वेज बोलते हैं, तो एक बी तुम्हारा इसके बाहर और एक डैश वाला बी जो इस पेज के अंदर, अच्छा वाला पिक्चर जाके तुम लोग गूगल वगैरह पे भी देख सकते हो, उसमें हो सकता है कि तुम ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है, हम वो लास्ट में करेंगे, पूरा कर लेते हैं और लास्ट में अच्छा अच्छा जो होता है ना, मतलब गूगल से इमेज से बढ़िया बढ़िया खोज खोज के जहाँ से लोग विजुअलाइजेशन से वो वाला रखेंगे और वहां पे भी तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन करवाएंगे ताकि 3D का दिखे कैसे क्या, ये भी अंदर पेज पे दिखा रहे हैं ऐसे अगल बगल मत, ये देखो ये बी और ये बी यहाँ पे इतने एंगल पे है, ये सच में बी इस पेज के परपेंडिकुलर, जो वेज और डैश बनाए हो वो सच में इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल का काम करेगा जो बोल रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट में, यह बी भी बाहर है तुम्हारे पेज के बाहर और यह बी भी बाहर है, पूरा पूरा ये परपेंडिकुलर है तुम्हारे कागज के परपेंडिकुलर है, मतलब कागज को अपने सामने मुंह के सामने खड़ा कर लो, ऐसे ऐनक में मुंह देखते हो ना, तो वैसा अगर कागज को खड़ा कर लो तो समझो ऐनक से बाहर एक बी है और एक ऐनक के उधर पीछे भी है, ऐसा कुछ ऐनक तुम्हारा स्क्वायर जैसा काम करेगा, ऐसा समझ सकते, स्क्वायर ऊपर एक टेटर है उसके नीचे एक टेटर, हाँ बिल्कुल सही, वही तो बोल रहे स्क्वायर बाय पिरामिड, इसे तो नाम दिया स्क्वायर पे एक बाहर पिरामिड और एक अंदर पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल, सिर्फ लिखो नीचे इसका, सिर्फ इज स्क्वायर
बाई पिरामिडल। आता है पिरामिड मैथ्स में पढ़ाया नहीं जाता नेट नाइन में, ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे आके बच्चों को नया लगता है। बट कुछ बुक अगर एक्स्ट्रा बुक वगैरह देखे हो गेट नाइन में तो मैथ्स में पिरामिड दिया रहता किसी किसी बुक में, बट जो अपना सिलेबस है जनरल एनसीईआरटी आरएस वाले से पिरामिड को रखा नहीं। चलो स्क्वायर बाय पिरामिड शेप को बोलते हैं, और जस्ट हमसे एग्जाम्पल बोलो को देंगे, कौन सा एग्जाम्पल है कोई दो तो इसका एग्जाम्पल, कोई मॉलिक्यूल लेकर के जिसपे ऐसा होता हो छह बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। किसी को क्लिक कर रहा है कोई एग्जाम्पल क्या? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही, कोई लोन पेयर नहीं है और छह का छह बॉन्ड पेयर है जुड़ा हुआ। तो ये SF6 का शेप कैसा होगा कोई पूछे तो बोलोगे स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा SF6 का शेप, ठीक है। तो ऐसा तुम एग्जांपल जितना मॉलिक्यूल अब लिखे हो ना जाके देखना कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, एडजस्ट करने की कोशिश करना किस केस पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बिना लोन पेयर वाला केस किए हैं, तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू 6 तक ही तुमको मोस्टली आने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद इतना तक ही दिए हुआ है, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं अच्छे से, 7 भी होता है बॉन्ड पेयर, 7 भी होता है बॉन्ड पेयर, 7 भी हो सकता है, डिस्कस कर लेते हैं क्विकली इसको। लेकिन स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7, लिख लिए सब लोग? नेक्स्ट है अपने पास बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा देखो, अगेन सिंपल है, तुम पैटर्न से बना सकते हो, 7 में से 2 को साइड कर लो एक अंदर और एक बाहर के लिए, और 5 बचा ना तो 5 से पेंटागन बना लो, बात खत्म। 5 से क्या बनेगा? पेंटागन। 3 से ट्रायंगल बन रहा था, 4 से स्क्वायर बन रहा था, 5 से पेंटागन। तो 5 से पेंटागन और एक बाहर पिरामिड और एक अंदर पिरामिड, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पहले पेंटागन बना लो पेज में, ए सेंट्रल एटम, ये बेचारा 5 आदमी को अरेंज करके रखेगा पेंटागन के अराउंड, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, पता ना हमसे पेंटागन बन भी पाएगा कि नहीं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट और ये 5वां पॉइंट, ठीक है। एक बी को यहाँ पे ओरिएंट करेगा, एक बी को यहाँ पे ओरिएंट करेगा, एक बी को यहाँ पे ओरिएंट करेगा, एक बी को यहाँ पे ओरिएंट करेगा और एक बी को यहाँ पे ओरिएंट करेगा, और इन जगह पे 5 बी को बैठा दे, और 2 बी को बोलेगा चल एक अंदर और एक बाहर हो जाएगा, वो दो ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ये 5 और इन 5 जगह जस्ट तुम डॉट से, ये डॉट से कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये जस्ट फील के लिए क्या पता चले तुमको पेंटागन है, ये सच में कोई बॉन्ड नहीं है, और एक वेज से भी बाहर और एक अंदर, ठीक है। वो कर लेना, तुम्हें होपफुली समझ गए होगे, बुक में भी जाके एक बार देख सकते, ये पेंटागन हो गया और एक अंदर और एक बाहर भी, जैसे पिछली बार ड्रॉ किए थे वेज आउट ऐसे ड्रॉ कर लो और नीचे शेप लिख लो, क्योंकि पेंटागन है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। शेप आएगा अपने पास पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो लोन पेयर इक्वल टू 0 वाला केस जो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब दूसरा जो शेप का केस है वो है जब लोन पेयर होगा तब कैसे शेप डिसाइड करते हैं। मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है, तो आपस से हमको लिंक भेजना पड़ेगा, उसको अभी स्टार्ट आज नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि जाके तुम